Hey guys, this is me, Rabi here. This is me, Azu here. We guys are back with another reaction video. So guys, अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी न्यू आए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, आज़ू राबी गैंग को ज्वाइन कर लो। हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है बाय द नेम राबिया नाज़म, नीचे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। तो गाइस चलते हैं वीडियो की टाइटल की तरफ। गाइस आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं, उसका टाइटल मैं बता देता हूँ, फर्स्ट ट्रेन फ्रॉम कश्मीर टू जम्मू श्रीनगर टू संगलदन ट्रेन जर्नी USBRL प्रोजेक्ट अपडेट। तो देखते हैं, एंजॉय करते हैं। मैंने सुना है कश्मीर में एक नई ट्रेन चली है फ्रॉम जम्मू टू कश्मीर टू जम्मू, तो देखते हैं और एंजॉय करते हैं। यहाँ पर कश्मीर में भी भाई इलेक्ट्रिफिकेशन हुई है, ये लग रहा है ना भाई जन्नत में आ गए सच्ची पूरा। ये देखो पूरा लेट गया, देखो देखो देखो, टोटल 40 किलोमीटर का एरिया ननस गई है, ये पूरा देखो लैंडस्लाइड हुआ है कोई। हांजी किवें हो जी सारे, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई अभी मैं हूँ कश्मीर में और श्रीनगर रेलवे स्टेशन पे आ चुका हूँ, और आज की जर्नी बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है भाई हमारी ट्रेन, पूरी दुल्हन की तरह ट्रेन को सजाया गया। और आज पूरा सेक्शन, एक नया सेक्शन, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, नया सेक्शन स्टार्ट होने जा रहा है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिफिकेशन बारामूला से लेकर संगलदान तक कम्प्लीट हो चुके हैं। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस ट्रेन को और इन पूरी चीजों को हरी झंडी दिखाएंगे और इस ट्रेन में ट्रैवल करेंगे। एक्सक्लूसिव आपको पूरा ब्लॉग दिखा रहे हैं, स्पेशली आप ये ब्लॉग एक लोग बाद में देख लेना कैसे मैं यहाँ पर पहुंचा। मुझे पता है भाई मुंबई से फ्लाइट ली, अभी जस्ट लैंड किया हूँ 1 घंटे पहले, और यहाँ पर देख लो ठंड इतनी ज्यादा है, वहाँ गर्मी, यहाँ पूरी ठंड। और आज जर्नी करेंगे, आपको वर्चुअली सब कुछ दिखाएंगे। तो वीडियो पसंद है तो स्टार्टिंग में लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। स्टेशन के अंदर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं भाई जम्मू और कश्मीर में रेल यात्रा की भाई सुविधा आ चुकी है नहीं, और आप देख सकते हैं बारामूला श्रीनगर बनिहाल संगलदान का जो सेक्शन है आज वो ओपन होने जा रहा है, जो नया स्ट्रेच है ना ये वाला, दैट इज 48 किलोमीटर के। तो आज हम पूरी जर्नी करेंगे, आपको दिखाएंगे मोस्ट एक्सक्लूसिव फर्स्ट डे का। तो यहाँ पर देख सकते हैं भाई पूरा, यहाँ पर पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है सब लोगों का, और यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये रही हमारी सामने ट्रेन भाई, सामने देखो भाई ये रही अपनी आज की गाड़ी, और भाई पूरी गाड़ी को सजाया जा रहा है, और चारों तरफ इधर देख रहे हैं भाई पूरे बैलून भी लगाए जा रहे हैं, क्या खूबसूरत लग रही है। और अभी जस्ट बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, तो ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर अरेंजमेंट हुआ। तो भाई फ्रंट से आप देख सकते हैं भाई कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी ट्रेन, फ्रंट से पूरा दुल्हन की तरह, आपको पता है यहाँ पर फूल मालाएं और बैलून्स भी लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर मैं बैठ चुका हूँ और ट्रेन में ट्रैवल करेंगे, बात होगी, सर कह रहे थे कि जैसे हरी झंडी दिखा देंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद ट्रेन थोड़ा आगे रुकेगी, देन लास्ट जो कोच है ना वो मीडिया के लिए रखा गया है, परफॉर्मेंस दे रहे हैं लाइव और कैमरा लगे हैं सारे, तो अभी आगे नहीं जाना क्योंकि लाइव चल रहा है सब कुछ ना। पर देखें मतलब बारिश कंटिन्यूसली हो रही है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और आगे तो भाई मुझे लगता है भाई बर्फ भी पड़ चुकी है। गाइस मैं आपको और इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी बता देता हूँ, ये जो सेक्शन नया 48 किलोमीटर का स्टार्ट आज होने जा रहा है, जो कि है बनिहाल से लेकर संगलदान के बीच में जो नया ट्रैक बना है, और साथ ही साथ जो आज हम ट्रैवल कर रहे हैं ये श्रीनगर से लेकर टिल संगलदान तक ट्रैवल करेंगे, ये पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है यार, कितनी बड़ी बात है हमारी देश के लिए और हमारी इंडियन रेलवे के लिए की यार। देखो यहाँ पर कश्मीर में भी भाई इलेक्ट्रिफिकेशन हुई है और काम भाई पूरा जोरों शोरों से चल रहा है। चलिए भाई बारिश एक बार थोड़ा सा रुक जाए, फिर ट्रेन में अंदर चलेंगे हरी झंडी दिखाकर और आपको पूरी जर्नी दिखाएंगे। और भाई मैं प्रे करता हूँ कि हमें थोड़ी सी बर्फ देखने को मिले। यहाँ पर अपने भाई भी आए हैं, भाई कैसे हो भाई, आपका वैसे नाम बता दो और चैनल का नाम गौरव है, और मेरे चैनल का नाम है ट्रैवल विद गौरव। मजा आ गया साथ में कोई मिल गया, मुझे अच्छा लगा यार, ट्रैवल करेंगे साथ में। बाकी मैं बात करूँ भाई की, तो मुझे मैंने भी भाई को देख के व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, अच्छा मुझे बहुत कीड़ा था ट्रेन में जर्नी करने का, ट्रेवल का मतलब बहुत शुरू से कीड़ा था बचपन से। तो कैसा, आपको कैसा लग रहा है आज ये ट्रेन हमारी स्टार्ट होने जा रही है यार, देश के लिए कितना प्राउड मोमेंट है, बहुत सभी के लिए प्राउड मोमेंट है, और खासकर तो कश्मीर में जो लोग रहते हैं, उनके लिए भी सपना साकार होगा कि मतलब अपना रात में यहाँ से बैठे या दिन में बैठे और अगली सुबह दिल्ली पहुँच सकते हैं। और आज साथ ही साथ आने वाले टाइम में वंदे भारत भी आने वाली है, और आप देखिए ना यार कश्मीर को, मतलब एक सपना होता था पहले यार कि कश्मीर में हम ट्रेन में ट्रैवल करें, और आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। सो भाई माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ चुके हैं, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जम्मू से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस से ट्रेन को हरी झंडी और जितने भी प्रोजेक्ट है ना उनको हरी झंडी दिखाई जाएगी। देखिए भाई वक्त हो चुका है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हरी झंडी दिखा रहे हैं,
और मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, एक बार वहाँ चलते हैं। जी भाई फाइनली जाकर हरी झंडी दिखा दिया है, फाइनली जाकर शुरू हो चुकी है भाई कश्मीर में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। आज हम पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कवर कर रहे हैं, नया रूट है वो भी कवर करेंगे, शायद इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। जो नया सेक्शन स्टार्ट हुआ ट्रेन वहीं तक जा रही है, जाना पड़ेगा। लेकिन यार ठंड इतनी लग रही है ना, पूछो ना, बस अभी ट्रेन रुकेगी और फिर बोर्ड करते हैं। रुकेगी रुकेगी रुकेगी, डोंट वरी। चलिए जी फाइनली निकल चुकी है हमारी ट्रेन। ओहो देखो बर्फबारी चल रही है हल्की फुल्की और ठंड इतनी ज्यादा है यहाँ पर, श्रीनगर रेलवे स्टेशन से निकलते हुए। और कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन भाई, पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन में आज हम ट्रैवल कर रहे हैं। और देख लो भाई, बाय बाय, क्या बात है, देख लो भाई स्नो में सब लोग कर रहे हैं शूट, बहुत अच्छा लगा मुझे भाई। बर्फ तेज होगी पड़नी। चलिए भाई ट्रेन निकल चुकी है, आपको पूरा अच्छे से इंटीरियर दिखाते हैं, लेकिन थोड़ा पूछना पड़ेगा भाई, ठंड है ना, थोड़ा हाथ पैर जाम हो गए हैं। और देख लो भाई यहाँ पर सीटिंग एरिया अच्छा बना हुआ है, कंफर्टेबल है ना, डीएमयू और रूम से कंफर्टेबल सीट। और आपको चार्जिंग पॉइंट भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ट्रैवल करते हैं उनके लिए चार्जिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऊपर अपना लगेज रख सकते हैं आराम से, मतलब सीसीटीवी कैमरा की मतलब काफी अच्छी सिक्योरिटी पर्पज से भी अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पर डिस्प्ले लगी हुई है, शायद आने वाले टाइम में अगर कुछ चीजें डिस्प्ले होगी मतलब इन्फॉर्मेशन, तो वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। सही लगा कि यहाँ पर फैन भी लगे हुए हैं, फैन छोड़ो यहाँ तो हीटर होने चाहिए, फैन बिल्कुल नहीं यहाँ पर, मतलब फैन का कोई इतना यूज नहीं है। और ये एसी नहीं है यहाँ पर, विंडोज बंद की हुई है, यहाँ पर अपनी विंडो खोलनी चाहिए तो खोल सकते हैं, बट कोई जरूरत अभी पड़ेगी नहीं, इतनी ठंड हो रही है भाई। मेरे को तो जरूरत भी थी, मेरे को चार्जिंग करना है, तो मैं फटाफट से अपने फोन भी चार्ज कर लेता हूँ। और देखते हैं आज कौन कौन से स्टेशन पे रुकती है, ये देख लो ऐसे कुछ है यहाँ पर, आई गेस तीन तीन जने आराम से मतलब एक सीट पे बैठ सकते हैं, इन केस अगर सीट्स ये फुल होती हैं तो। ये भी मुझे अच्छा लगा, जैसे मेट्रो में या लोकल ट्रेन में होता है ना, मतलब खड़े होना है तो आराम से इसको पकड़ के भी। प्यारी प्यारी बुढ़िया छोटी छोटी, और देखो भाई ये है यार, कहीं भी चले जाओ यार, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये सारे लोकल लोग, बच्चे छोटे और स्टूडेंट्स सब ट्रैवल कर रहे हैं। मैं भी स्पोर्ट्स में हूँ जहाँ पर मतलब स्टूडेंट्स और छोटे छोटे बच्चे आए हैं भाई, क्या रौनक लगाई हुई है, अलग लेवल की वाइब्स है। लेकिन ठंड बाहर बहुत तेज और थोड़ी बर्फ हो गई है, तो अभी गेट क्लोज किए हैं। आगे मेरे को लगता है शायद थोड़ी और मिलने वाली काजीगुंड और बनिहाल साइड पे। अब मेरा लगेज भी यहीं पे था, तो मैं सोच रहा हूँ लगेज अपना अपने कोच में ले जाते हैं आराम से, थोड़ा ध्यान रखें। बर्फबारी बाहर आप देख सकते हैं किस लेवल की हो रही है, इतनी तेज बर्फ पड़ रही है भाई। लाइव स्नोफॉल में आपको नई ट्रेन जर्नी दिखाते हैं, लाइव स्नोफॉल में। तो कैसा लग रहा है आप सबको, लाइव स्नोफॉल हो रहा है भाई, ये एक्सपेक्ट किया था मैंने। देखो एक नंबर यार, मजा आ गया। जब ये कौन सा स्टेशन आ गया पता नहीं कौन सा स्टेशन है, लेकिन देखो कितनी स्नोफॉल हो रही है लाइव। और यहाँ पर 360 शॉट्स भी लिए जा रहे हैं भाई, लेकिन शूज गिल्ले हो आ रहे ना मजा। जी बाहर देख लो पूरा व्हाइट हो चुका है अभी यहाँ पर, दूर दूर तक और पूरी तेज स्नोफॉल होती हुई, ये लग रहा है ना भाई जन्नत में आ गए सच्ची पूरा। लेकिन यार ये देखो ब्रिज आ रहे प्यारे प्यारे यहाँ पर, ये देखो पूरा ढक दिया भाई। नई ट्रेन जर्नी में और क्या चाहिए बताओ, जब मुंह पे आपको बर्फ पड़े ऐसा नजारा हो। ये कौन सा स्टेशन आ गया जी, बिजबिहारा भाई स्टेशन आ चुका है ये। अब बाहर जाएंगे, देखो भाई मेरे जूते भी खराब हो जाएंगे मुझे जहाँ तक लगता है। देखो लोग भी देख रहे हैं, ये देखो कितनी बर्फ भाई प्लेटफॉर्म पे हो गई है, अब भीग जाएंगे जूते। करते हैं चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी अब यार, आए हैं तो थोड़ा बहुत तो लेंगे मज़ा। हाँ बिज बिहारा ये रुकी नहीं भाई ट्रेन, यहाँ पर स्किप मार है। अनंतनाग में बहुत मुश्किल से नीचे उतरा हूँ मैं, काफी लोगों ने बोर्ड किया, अभी भी लाइव स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पर भाई, क्रिसमस ट्री बन गए हैं तो है ना। तो यहाँ पर मेरे को लगता है शायद पहलगाम के लिए लोग जाते हैं, मतलब दर्शन करने के लिए काफी लोग यहाँ पर आए हैं, मतलब टूरिस्ट लोगों ने बोर्ड किया काफी। मुझे तो लगा था भाई ट्रेन का कुछ आज नहीं कोई होंगे, बट नहीं काफी लोगों ने बोर्ड भी किया है, तो अपना लगेज का भी ध्यान रखना ही है। लेकिन भाई ये है ना भाई, देखो ऐसा देखो ऊपर देखो, आपको लग रहा है यार मजा आ रहा है, लेकिन बीमार नहीं होना
बट क्या करें यार, मजा लेना भी तो जरूरी है ना, इतनी दूर आए हैं। देखो अब ऐसा लग रहा है कि यार जो पैसा लगाया वसूल, और आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, लेकिन ट्रेन अभी निकलने वाली है। अभी ये ट्रेन मैं बता दूँ जो नया सेक्शन है ना 48 किलोमीटर का, ये पूरा हम आज कवर करेंगे इसी वीडियो में, ट्राई करते हैं। और साथ ही साथ हाँ सिग्नल होने वाला है, और साथ ही साथ 185 किलोमीटर पूरा इलेक्ट्रिक है। इस रूट की लॉन्गेस्ट टनल भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अब एक और नई बन चुकी है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कैसी लग रही वीडियो अभी तक बताना जरूर कमेंट सेक्शन में यार, एक बार लाइक किया करो यार, वीडियो को लाइक नहीं करते यार। ओ, पूरी देखना भाई, पूरी ऊपर तक बर्फ है, ऊपर तक बर्फ है भाई, ये देखो वाओ यार। तो अब चलेंगे भाई, क्योंकि ये सिंगल लाइन सेक्शन है ना, तो इसलिए आपको बता दूं ट्रेन आई है, फिर हम निकलेंगे। वहाँ से नीचे ना उतरो यार, ऐसे ना करो यार, है ना, जो कुछ बोलते हैं तो ध्यान रखना चाहिए यार। वाओ यार कितनी खूबसूरत लग रही है, देखो। Looking back at it like damn she bad when she walk away. Here we go, been down this road. They already know when we go on tour, I'll take you anywhere you wanna go. People talk about us. लोग जाते हैं स्विट्जरलैंड मजा लेने के लिए, आइए कभी भाई, जन्नत है यार कश्मीर, सच बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा आपको। इतने पैसे फूकते हैं लोग वहाँ जाकर। यहाँ पर आप मात्र, मैं आपको फेयर भी बता देता हूँ, बनिया बारामूला से लेकर आप संगलदान तक जाएंगे तो आपको 72 रुपीज ही देने सिर्फ मात्र, मतलब $1 में आप ऐसी जर्नी ले सकते हैं। और मजा आ रहा है यार मुझे सबको, यहाँ पर ऑफिशियल लोग भी हैं सबके साथ, ट्रैवल कर रहे हैं, ब्रिज पे ब्रिज आ रहे हैं। और एक चीज मैं बताता हूँ, जो नया सेक्शन बने ना 48 किलोमीटर का, उसमें लगभग शायद 40 किलोमीटर के करीब तो टनल है। भैया एक बार आना, आप कह रहे थे ना जो नया सेक्शन बना उसमें कितने किलोमीटर में टनल्स ही टनल्स हैं, जो कह रहे थे अभी जो आगे लाइन क्लियर होने वाले उसमें अप्रोक्स 100 टनल्स है टोटल, जो नया सेक्शन बन रहा है। और अभी जो खुल गया 48 किलोमीटर वो वाला 5-6 टनल्स है, अभी 5-6 टनल है, जिसमें एक लॉन्गेस्ट भी है 12 से लेकर 12 पॉइंट कुछ किलोमीटर की एक है, टोटल 40 किलोमीटर का एरिया टनल्स का ही है भाई। 48 किलोमीटर में 40 किलोमीटर टनल ही। तो भाई देख लो यहाँ पर जितने भी आपको घर दिख रहे होंगे ना, पूरा उनकी छत पे भी भाई पूरी बर्फ ही बर्फ है। जितने भी लोग यहाँ रहते हैं ना बहुत लकी हैं, सच बता रहा हूँ, इतना मजा लेते हैं लोग। स्विट्जरलैंड जाते हैं भाई, यहाँ पर आओ आपको कश्मीर में जन्नत देखने को मिलेगी। कर्व देखो आप, बर्फ गिर रही है और कर्व कितना खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा फोकस नहीं हो पा रहा, बस ये प्रॉब्लम है, इससे हो जाएगा क्या फोकस? अच्छा काजीकुंड आ गया, इसके बाद टनल आएगा ना, इसके बाद टनल है। तो भाई काजीकुंड में आ गई, और मैं कह रहा था ना काजीकुंड में आप बर्फ देखना, लेवल बर्फ का। काजीकुंड और बनिहाल थोड़ा हाईएस्ट पे पड़ता है एज कम्पेयर टू द श्रीनगर। भाई काजीकुंड में उतर गया, कितनी बर्फ है भाई, देखो भाई शूज तो पूरे भीग गए, बट ठीक है चलता है ना, थोड़ा सा ना बर्फ से खेल लेते हैं। ओ ओ मजा यार, मजा। कैमरे में मारते रुको, इस कैमरे में मारते हैं 1-2-3। मैं जा रहा हूँ कावा पीने के लिए, यहाँ पर ना भाई स्टेशन पे कावा मिल रहा है, काफी लोग, आपको पता है कश्मीर में आओ तो कावा पीना मस्त है यार, काफी लोग वहाँ पर पी रहे थे, मेरा भी मन ललचा गया, मैं कहा कोई नहीं यार पैर ठंडे हो गए ना यार, गर्म चीज चाहिए कुछ। ये देख मुंह में बर्फ जा रही है, ये देख लो भाई बात है। हाँ जी यार ये मजे, मैं इसलिए आया हुआ है भाई, मैं भी एंजॉय करता हूँ। ये आए फाइनली कावा, ट्राई करते हैं। वाह यार भाई साहब बहुत ही बढ़िया है, और इतने ठंड में तो जरूरी है भाई ये। सकते हैं यार ये भाई नहीं डेमो जो संगल दान से चली है। वाह यार स्नोफॉल में क्या जबरदस्त लग रही है, और ये अभी चली है वहां से संगल दान से, और यहाँ पर आ चुके देखो संगलदान बडगाम बारामूला, और हम जा रहे हैं संगलदान की तरफ। देखो प्यारा से मिला, ओए 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 ओए, आजा आजा आजा, क्यों टुंडी, देखो भाई बर्फ में मजा लेता हूँ, यही यही मजा है, देखो हेलो कर रहा है, ओए क्यों ये नहीं चलेगी ना, ये देखो हेलो कर रहा है भाई। ट्रेन अभी सिग्नल नहीं हुआ है, लेकिन इसके साथ मजा आ रहा है खेले। ये देखो पूरा लेट गए, देखो पर ड्राई फ्रूट ना पूरे जमे हुए हैं, किशमिश देखो तीर की तरह सीधी है भाई, ड्राई फ्रूट जमे हो खा के देखो, तीर की तरह किशमिश सीधी होगी है, खाओ भाई। देखो दोनों की दोनों ट्रेन यहाँ पर खड़ी स्पेशली है शॉट लेने के लिए, दिखाएंगे भाई बहुत ही खूबसूरत सा एक कर्व आएगा आगे, वो देखना आप। ये देखो स्पीड पकड़ी अपनी ट्रेन ने, टनल देखो बाहर, एक्चुअली ठंड इतनी ज्यादा लग रही है ना, हाथ जम चुके हैं यार, बट कोई बात नहीं, ये है भाई काजीकुंड टनल,
जो गाजीपुर निकलते ही आती है बनिहाल से पहले। टनल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, इतनी टनल, बड़ी टनल है ना काफी, और गर्मी लग रही है यहाँ पे ना थोड़ी, अच्छा लग रहा है यार। टनल से बाहर आ गए और यहाँ पर तो मेरे को लगता है बनिहाल में तो और दिख रही है, लेकिन बनिहाल तक तो आपको स्नो दिखेगी यार, सबसे ज्यादा इधर ही होती है काजीकुंड और बनिहाल। यार बादल देखना ऊपर, मौसम यार कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा ना, इधर तो पहाड़ भी नहीं है, है ना, दिख ही नहीं रहा कुछ है। बादल तो देखो यार, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा बिल्कुल भी, बादल दिख ही नहीं रहे, आसमान दिख ही नहीं रहा भाई, यहाँ तो और तेज लगेगी भाई। ये बनिहाल हिल में है ना बनिहाल काजीकुंड, ये देखो भाई पूरा पूरी जमी हुई, पुल पे देखो भाई कितनी जमी हुई है, माउंटेन नहीं दिखेंगे ना 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 भाई, माउंटेन दिखेंगे नहीं, देखो कुछ दिख ही नहीं रहा, माउंटेन है लेकिन ये पूरे चारों तरफ बनियाल में। यहाँ पर ना मुझे पता नहीं यार ये लोग कैसे रह रहे होंगे ना घरों में, देखना यार, लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो जन्नत भी है यार, है ना, मतलब पूरा लोग मजे भी ले रहे हैं। और यहाँ पर देखो हाँ हाँ वो देखो भाई स्विफ्ट डिजायर कार, ये देखो ये रही गाड़ी भी पूरी भर गई भाई, जी बनिहाल आता है, बनिहाल आता हुआ भाई, ये देखो फिर स्नो गिरी इस पे, बनिहाल रेलवे स्टेशन। ऑल राइट गाइस भाई पहुंच चुके हैं हम बनिहाल में, और पहले जो सेक्शन होता था ना इस ट्रेन का वो बनिहाल तक होता था, इसके आगे तो ट्रेन जाती नहीं थी, लेकिन आज फिर जाने वाले हैं और आपको वही सेक्शन पूरा दिखाने वाला हूँ मैं, नया जो सेक्शन बना है उसमें मोस्टली तो टनल्स ही रहने वाली है। पहले सोचा था भी अलग वीडियो में दिखाऊंगा, बट नहीं यार आपको एक इसी वीडियो में पूरा दिखा देता हूँ स्नोफॉल के साथ। यार नया सेक्शन, नई ट्रेन, सब कुछ नया आपके लिए भाई। अब क्या कर रहे हो, आपको क्या करना है, नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये देखो भाई पूरा बनिहाल रेलवे स्टेशन, स्नोफॉल रुकने का ही नहीं नाम ले रहा, देखो ना मुंह पे गिर रहा है, और अभी सारे लोग आए हैं भाई पूरे, मतलब भर चुके हैं काफी लोग, देखो यहाँ पर बोर्ड कर रहे हैं तो भाई सब लोग यहाँ पर चढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है भाई हम भी जाते हैं। आई गेस लगता है इसके बाद तो स्नो शायद रुक जाएगी, क्योंकि अब टनल जाएंगी तो अब ये मतलब आखिरी मौका लगता है भाई, देख लो हम भी एंजॉय कर लेते हैं इतनी प्यारी सी स्नो को। संगलदान के लिए अब पता लग रहा है क्यों इतनी डिमांड थी, मतलब लोग भर भर के इस ट्रेन में चढ़ रहे हैं संगलदान जाने के लिए, मतलब पूरी ट्रेन पैक होगी। और बैक टू बैक टनल, मतलब बैक टू बैक, अभी ये देख लो चौथी पांचवी टनल चल रही है, अब स्टेशन आएगा उसके बाद एक लॉन्गेस्ट टनल आएगी, वो दिखाऊंगा ये सारा सेक्शन बना नया। ये देख लो ये इस रूट की सबसे बड़ी टनल, लगभग इतनी देर होगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, 13 किलोमीटर की नियर अबाउट है, 12 point something, लेकिन पानी आ रहा भाई बहुत ज्यादा बाहर। टनल से फाइनली बाहर आ गए, नज़ारा देखो अभी भी यहाँ पर भी भाई स्नो है, सो अभी स्टेशन भी आने वाला है, यहाँ वैसे कम होती जाएगी अभी स्नो आगे। ये है नया रेलवे स्टेशन और आप देख सकते हैं भाई यहाँ पे नजारे देखो, ऊपर 13 किलोमीटर ऊपर तो बहुत स्नो थी, अभी यहाँ पर आपको स्नो देखने को नहीं मिलेगी। प्रॉब्लम हो गई यार, मेरा फोन चार्ज नहीं हो रहा क्योंकि जैक में चला गया पानी, और पानी जब तक नहीं निकलेगा देखते हैं क्या होगा, मैंने लगा दिया था भाई, शॉर्ट वोट ना हो गया हो, कुछ खराब ना हो जाए क्योंकि मेरे को वीडियो एडिट करना है। चलिए भाई ट्रेन चलने वाली है, अपनी डिपार्चर हो रहा है, लेकिन रश बहुत है भाई पहले दिन ही। चलिए भाई ट्रेन पहुंच रही है हमारी संगलदान में, लास्ट स्टेशन भाई, लोग देखो यार कितने खुश है सामने, रुका बजाया भाई ट्रेन में इन्होंने तो यार है। चलो भाई ये पूरा भाई तैयारियां की थी स्पेशली, लेकिन बारिश रुकी नहीं थी 3 से 4 दिन, आपको मैं बाहर उतर के दिखाता हूँ। फाइनली पहुंच चुके हैं भाई आज की हमारी फाइनल डेस्टिनेशन पे, संगलदान रेलवे स्टेशन पे। ये है भाई अभी तक का कह सकते हैं कश्मीर में आखिरी रेलवे स्टेशन या स्टार्टिंग रेलवे स्टेशन, और आने वाले टाइम में आगे भी एक्सटेंड हो ही जाएगा। ये पूरा मैंने आपको रूट दिखा दिया, बीच में मैंने ज्यादा नहीं दिखाया क्योंकि बहुत मिट्टी उड़ रही थी, लॉन्गेस्ट टनल्स ही टनल्स आपको देखने को मिलेंगी, जो बनिहाल से लेकर ये वाला सेक्शन है ना इसमें आपको सारी टनल्स देखने को मिलेंगी, लगभग मेरे ख्याल से ना ना करते बिना 9-10 बड़ी बड़ी टनल्स आएंगी। ठंड ज्यादा लग रही है, सॉरी टू से, मुझे अब ठंड ज्यादा लग रही है क्योंकि एक तो भीगे हुए हैं, थोड़ा पैर भीगे हुए ना अपनी ये वाली भीगे, और बर्फ में ना खेलते खेलते पता नहीं चल रहा था, मस्ती करते करते। अब हम उधर जाएंगे ना तो हमारी हालत खराब होगी। अभी हमने एक्चुअली ना बस यही ट्रेन कवर करने आए थे, अब वापस जा रहा हूँ मैं जम्मू, और आप भी चल रहे हो शायद ना? हाँ बिल्कुल, दिल्ली और जम्मू जाना, बस यही ट्रेन दिखानी थी, लेकिन लैंडस्लाइड हुआ है, सबसे पहले पता करते हैं, अगर लैंडस्लाइड होगा तो इसी में वापस जाएंगे श्रीनगर, वहां से फ्लाइट लेकर चले जाएंगे। ये देख लो यहाँ पर पूरी तैयारियां भी की थी, आप देख रहे ना नेशनल फ्लैग, और ये जो पूरा टेंट भी लगाया था बनाया था आज कार्यक्रम के लिए, लेकिन बारिश के कारण हुआ नहीं सही से। चलो आपको बाहर तैयारियां दिखा भाई, यहाँ पर देख लो यहाँ के फॉर्मर शायद सीएम आए हुए हैं, इसलिए सिक्योरिटी भी बहुत है, इसलिए चलना पड़ेगा अपने को। तो
तो ये जो पहले चलती थी ट्रेन से, मतलब अभी भी चलती है, पहले नहीं, और ये इलेक्ट्रिक ट्रेन ये चलेगी भाई। आगे कहाँ जा रही है भाई ये? पता नहीं, चलो अब तो जा रही है, भाई कह रहे हैं भाई खुला है तो चलते हैं, अब देखी जाएगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ तक बना हुआ, इससे आगे भी टनल्स बन रही हैं, तो रूट ये भी मोस्टली कंप्लीट ही है, लगभग 3 से 4 महीने में भी स्टार्ट हो जाएगा। तो देख लो, बाहर से रेलवे स्टेशन को ऐसे तैयार किया था, बट यहाँ पर मौसम इतना खराब था, फेवर में नहीं रहा मौसम, लेकिन फंक्शन सब कुछ अच्छे से हो गए। यहाँ पे गाड़ियाँ देखते हैं अगर मिलती है तो जम्मू की। देखो ये है भाई नया रेलवे स्टेशन जम्मू। आप भी बोलोगे यार पागल है क्या, सिर्फ एक ट्रेन के लिए इतना खर्चा हो रही है भाई। प्यार है यार, ये चीजें हैं यार, ये यादें रहती हैं, कमाई अलग बात होती है। नो भाई, हम कमाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन यार कभी कभी ना कुछ चीजें ना फील की जाती है और उसको एंजॉय भी किया जाता है, जो कि हमने किया आज। ये एरिया तो है ये पूरा भाई। अभी एक अपडेट ये, हम जा रहे थे जम्मू और यहाँ पर देख लो भाई जी, जो वाइब्स आ रही थी वही हुआ ना, है ना। ये देखो यहाँ पर पूरा लैंडस्लाइड है इस एरिया में, पर ठीक है क्लियर हो जाएगा, अब देखते हैं। गाड़ी फंसी है बस, कोई बाकी तो सब। लेकिन व्यू कितना बढ़िया आ रहा है ना यार, ठंड यार मेरी पैंट गिली, मेरा बैग खराब हो गया, गिर गया था यार, सारा पैंट गिली हो गई है, ठंड इतनी लग रही है। और ये देखो वेदर यहाँ का, तो ये अभी लैंडस्लाइड एरिया 800 फीट हम मतलब उधर चलो, खाई है भाई, इधर रिस्क नहीं लेना। ये पूरा देखो लैंडस्लाइड हुआ है, कोई आ रहा है अभी, आज का ही वीडियो है, थोड़ा सा भाई रुक के आना। ये देखो पूरी गाड़ियां जाम है, मैंने सोचा था जम्मू जाके वीडियो एंड करेंगे। चलिए ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं भाई, पसंद है तो लाइक करना, अब जो भी अपडेट होगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में दे दूंगा। मैं जा रहा हूँ दिल्ली, तो व्लॉग तो करेंगे कोई नहीं, उसमें पता लग जाएगा कि कितने बजे हम यहाँ से निकलते हैं। अभी टाइम यार वॉच भी बंद हो गई है, टाइम क्या हो गया भाई, टाइम बताना आपका भाई। यार 6:30 हो चुके हैं यार, ये तो मुझे लगता है जम्मू ही रुकना पड़ेगा, जैसा भी होगा अपडेट देंगे। लेकिन ये पूरा लैंडस्लाइड एरिया है, ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पर। चलो पसंद है तो लाइक करना भाई, ट्रेन जर्नी मस्त थी, आपको कैसी लगी, आया ना मजा भाई। एक बार तो मैंने, दो बार कर चुका वैसे ये वाली ट्रेन जर्नी, एक बार स्नो में पिछले साल की थी, इस बार करी। और ये तो नई ट्रेन थी, रूट मैंने आपको जितना हो आपको अच्छे से मैंने दिखाई दिया, टनल सी है, और आने वाले टाइम में पूरा बन जाएगा ना, फिर तो आपको मतलब दिल्ली तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने, मतलब कश्मीर से जो कन्याकुमारी कहते हैं ना भाई ट्रेन जर्नी। So guys, this was the journey from Kashmir to Jammu, और एक न्यू ट्रेन चली है, इलेक्ट्रिक ट्रेन है, उसका इनॉग्रेशन किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, और भी तो बहुत ही मजे की वीडियो थी। और ये बहुत ही अच्छा लगा कि एक अच्छा इनिशिएटिव है कि वहाँ पे भी ट्रेन चल रही हैं, और इन्होंने बहुत एक इनोवेटिव चीज़ की है, इनोवेटिव तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ की है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा टनल्स के अंदर, मतलब कितने पहाड़ों को काटा होगा और कितना मुश्किल काम था जिन्होंने इन्होंने कंप्लीट किया, इन्होंने कि इन्होंने ट्रेन का एक बहुत अच्छी चीज़ है कि पहले कितने घंटे लगते थे उनको सफ़र के अंदर, अभी बहुत जल्दी टाइम का बहुत कम टाइम के अंदर ही बहुत ज़्यादा सफ़र कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इन्हें पहाड़ों को काट के इन्होंने टनल्स बनाई हैं, और जल्दी से अपना सफ़र पूरा कर सकते हैं, कोई लैंड स्लाइड का खतरा नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी, बिकॉज आप ट्रेन के थ्रू जाएँ। पहले तो मसला होता है कि ट्रेन के अब कहीं पर लैंड स्लाइड हो गई तो यहाँ के लोग यहाँ रहते हैं, वहाँ के लोग वहाँ रहते हैं, तो बड़ा मसला होता था। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और ये ट्रेन इनॉग्रेशन इनॉग्रेट हो गई है, 48 किलोमीटर से आगे सभी रूट स्टार्ट हुआ है, आगे और भी होगा, जब आगे जो डेवलपमेंट पूरी हो जाएगी तो और खुल जाएगा रास्ते। तो ये अभी तो 48 किलोमीटर का रास्ता था, और ये बहुत ही मजे का था, एक तो क्या मौसम था यार, बहुत अच्छा लगा देखकर। और इन्होंने मतलब कि यहाँ तक भी कश्मीर को भी निगलेक्ट नहीं किया गया, कश्मीर के अंदर भी वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, और बहुत अच्छी मुझे लगी है। और जो व्यू था वो तो बहुत कमाल, मतलब कि ट्रेन की जर्नी से तो थी, लेकिन जो व्यू था ना उसमें चार चार लगा दिए, स्नोफॉल हैवी स्नोफॉल थी, कश्मीर के व्यूज जो है ना ट्रेन के अंदर मजे लेने, वो मैं कहती हूँ सही मजे आ जाते हैं ट्रेन के, अगर आप कश्मीर वाले साइड पर जाकर आप ट्रेन जर्नी को एक्सपीरियंस करें, क्योंकि वो जो माउंटेन और सीनरी होती है ना जो आप साइड पे देखते हुए जा रहे थे, वो आपको वैसे इतना सुकून महसूस करवा रही थी। ओवरऑल वीडियो वाज वेरी गुड, वी रियली एंजॉयड इट। आप लोगों ने बताना आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मुलाकात करेंगे और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।